मैं उदाहरण हूं, मुझे पकड़ा था कोर्ट ने कहा, उनका क्या संबंध, उनके पास अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं है। केजरीवाल जी को पकड़ा है लेकिन ईडी कोर्ट ने कहा उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, आप उनको परेशान कर रहे। हेमंत सोरेन के बारे में भी यही कहा। इस देश की एजेंसी मोदी और शाह की प्राइवेट एजेंसी बन गई है। हेमंत सोरेन बेकसूर से हम पहले से बोल रहे हैं, केजरीवाल जी बेकसूर है, मनीष सिसोदिया निर्दोष है, सत्येंद्र जैन निर्दोष है, अनिल देशमुख निर्दोष थे। हेमंत सोरेन का एक, हेमंत सोरेन को रिहा किया गया। महत्वपूर्ण बात यह है कि हाईकोर्ट ने जब ये आदेश दिया तो कहा कि ऐसा लगता नहीं है कि वो इस पूरे मामले में गिल्टी है, स्कैम में। ईडी और सीबीआई ने 10 साल में जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स को अरेस्ट किया है वो किसी के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिला है। मैं उदाहरण हूं, मुझे पकड़ा था कोर्ट ने कहा उनका क्या संबंध, उनके पास अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं है। अनिल देशमुख के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। केजरीवाल जी को पकड़ा है लेकिन ईडी कोर्ट ने कहा उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, आप उनको परेशान कर रहे। हेमंत सोरेन के बारे में भी यही कहा। लेकिन इस देश की एजेंसी मोदी और शाह की प्राइवेट एजेंसी बन गई है और उनके इशारे पर उनके विरोधियों को छल कपट से अरेस्ट कर रहे और जेल में डाल रही है। हेमंत सोरेन बेकसूर से हम पहले से बोल रहे हैं, केजरीवाल जी बेकसूर है, मनीष सिसोदिया निर्दोष है, सत्येंद्र जैन निर्दोष है, अनिल देशमुख निर्दोष थे, संजय राउत निर्दोष थे। अगर प्रफुल्ल पटेल जी, यशवंत यादव, प्रताप सरनाई, अशोक चव्हाण ये सब आपके पार्टी में आने के बाद निर्दोष साबित होते हैं और जो आपके विरोधी है वो गुनहगार साबित होते हैं, ये कैसा हो सकता है? ये कौन सा कानून है? ये कानून आपने घर में लिखा है क्या?